चलो शुरू करते हैं ना। नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर में एक अंतर है, वो क्या? इस सर्कुलर मोशन में क्या होगा? उसमें नहीं स्पीड चेंज कांस्टेंट होगा, नहीं है, चेंज नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। नहीं है। एक बात अलग, इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसमें स्पीड क्या करती रहेगी? वेरी करती रहेगी, यस और नो? यस तो हमने जो यहाँ पे, लेट्स सी, दिस इज द सेंटर ओ एंड यहाँ से स्टार्ट कराया मोशन, वही ए पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट से। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे हम, इस बॉडी को यहाँ से किसी एक जनरल पॉइंट पे, लेट्स से पी पॉइंट पे ले जाते हैं और उस पी पॉइंट पे इसकी एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, वो पी पॉइंट लेट्स से एंगल थीटा पे, कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। चलो जी बताओ भाई एफबीडी। क्या क्या बनेगा इधर? एम जी जी, और टेंशन, टेंशन, टेंशन इधर को बनेगी टेंशन टी, इसको लिख देते हैं टी थीटा। नाउ टी थीटा इज एक्टिंग एज सेंट्रीपेटल फोर्स, यस सर। ठीक है ना? टी थीटा माइनस एम जी थीटा कॉस, टी माइनस एम जी थीटा कॉस, माइनस टी एम जी, थीटा माइनस एम जी, एम जी कॉस, एक मिनट सर, टी थीटा माइनस एम जी कॉस एम जी कॉस थीटा। आएगा एम जी कॉस थीटा रे। तो टी थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा विल एक्ट एज सेंटीमीटर सेंट्रीपेटल फोर्स, फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे वेलोसिटी हमने बनाई, लेट्स से स्पीड हमने बनाई, इधर है v, लोएस्ट पॉइंट पे भी है। यहाँ पे स्पीड सेम होगी अलग होगी? डिफरेंट, अलग होगी, अलग अलग होगी, होगी। दिस इज डिफरेंट स्पीड है ना। तो इसको भी मैं v थीटा ना, उसमें तो हमने v v लिख लिया था दोनों जगह, लेकिन ऐसे यहाँ पे चलेगा नहीं। तो यहाँ पे v थीटा अलग है, v l अलग है, और हाईएस्ट पॉइंट पे भी एच जो होगा वो भी अलग होगा नेचुरली, वहां पे होगा वी एच। ठीक है, ये भी अलग होगा पॉइंट बी पे। खैर, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है? देखो टी माइनस एम जी कॉस थीटा लगा के तो हमें वी एम वी स्क्वायर बाय आर कर लेंगे, एक इक्वेशन वो लगती है, लेकिन वहां पे वी की वैल्यू भी तो पुट करनी है मेरे को। तो वी की वैल्यू पुट करने के लिए मुझे वी निकालना पड़ेगा। अब वी निकालने के लिए मुझे क्या करना, वी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लगानी पड़ेगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट पी, ए एंड पी के बीच में मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई फोटो बना लो पहले तो फटाफट से, उसके बाद वेलोसिटी निकालते हैं सबसे पहले। ठीक वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एक्सक्यूज मी सर, एट, हाँ भाई वो सर एक बार फिर से बता दो, वो वेलोसिटी वाला सर सुना नहीं था वो। बता रहा हूं अभी फिर से डिटेल में कर रहे हैं। आप तो अब निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट पी, पी पे वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे टिलो? सर वही तो पूछ रहे सर, मैंने हाँ, मुझे सुना नहीं था। क्या तो इसीलिए तो पूछा, तेरे को सुना नहीं इसलिए तेरे से पूछा है, दिमाग लगा बता। पता नहीं सर। टोटल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाते जाते क्या काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रही और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? है, इंक्रीज। टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कंजर्व्ड, देयरफॉर आई कैन से दैट टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल टोटल एनर्जी एट पी पॉइंट। ठीक पॉइंट, है जी, तो और एल्स आई कैन से दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू पी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू पी। वी आर के एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू के एट बी, बी नी पी।
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। तो आई कैन से दैट डेल्टा के का मैग्नीट्यूड इक्वल डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड। यस सर। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालते हैं अभी। आई कैन से दैट हाफ एम वी थीटा स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच। और डेल्टा एच कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला, दिस इज डेल्टा एच। एम आई करेक्ट? यस सर। हाउ विल फाइंड दिस सर? वो लेंथ लेके स्ट्रिंग की ये आ रहा है ना पूरी। यस सर। ओ टू इसको नाम देते हैं कुछ, दैट्स इट। दिस पॉइंट इज पी डैश डी। चलो ओ टू डी डिस्टेंस कितना है? आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा ये है आर कॉस थीटा। तो बाकी बचा डेल्टा एच। डेल्टा एच जो होगा दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा। आगे ना इधर वोट कर दो। तो व्हाट आई गेट इज हाफ एम, एम टू डी जाना है, वी थीटा माइनस वी एल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इधर ना वी एल माइनस वी थीटा कर लो क्योंकि वही है, वी एल बड़ा होगा ना इसलिए। एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा एंड मोड आउट व्हाट आई गेट इज बी एल स्क्वायर माइनस वी थीटा स्क्वायर इक्वल टू टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा। V theta square is equal to VL square minus 2GR 1 minus। इस फॉर्मूले को ना याद कर लोगे तो अच्छा है, ये यूज होता है इसलिए ये मदद करेगा आगे जाके हम लोगों को, इसको याद कर लो। नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन ही है वो, लगा लेना, याद कर लोगे तो अच्छी बात है। Noted? Yes, sir. चलो अब हमने वेलोसिटी तो निकाल ली, इसके स्पेशल केस भी चलो कर ही लेते हैं। सबसे नीचे वाले पॉइंट पे थीटा कितना है? जीरो। जीरो। जीरो है ना? कॉस जीरो? यस सर। कॉस जीरो वन है? वन माइनस वन जीरो हो गया, तो वीएल ही आ गया, नीचे वाले पे वीएल ही होना चाहिए था। हाँ के ना? यस सर। अब हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा इज 180। तो अगर 180 होगा cos 180 कितना होता है? -1। तो ये कितना आ जाएगा? -4 gr आ जाएगा। 4 gr राइट एट लोएस्ट पॉइंट थीटा इज 0 डिग्री, देयरफॉर v थीटा square is equal to VL square minus 0, therefore V theta is equal to VL. Naturally, A and actually at highest point theta is equal to 180 degree, therefore V theta square is equal to VL square minus 4GR. Here it is. ये आ जाएगा वी एच।
हाईएस्ट पॉइंट वाला कुछ बच्चे इसको याद कर लेते हैं, मर्जी है, डिपेंड ऑन यू। चलो अब करनी है अपने को टेंशन फाइंड, जिसके लिए हमने वेलोसिटी फाइंड की थी पहले। तो टेंशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पी पॉइंट पे कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल रखेंगे। सेंट्रीपेटल फोर्स की इसमें टॉपिक बना लेंगे, सब टॉपिक है टेंशन इन दी स्ट्रिंग। थीटा मेरे पास आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा उधर जाएगा, प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी थीटा स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम बाय आर। वी स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं, वी थीटा स्क्वायर का फॉर्मूला उसकी वैल्यू वैसे डालनी है, डाल लो, याद करना वैसे याद कर लो, बट आई स्ट्रिक्टली डोंट रिकमेंड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये गंदा सा बनेगा उसके बाद और याद करने का फायदा नहीं, भूल तो जाना ही तुम लोगों ने। तो अच्छा है ये है कि ये सिंपल सी एक सादी सी इक्वेशन हमने लगाई है ना, रीअरेंज करके हमने टी थीटा निकाल लिया। इसके जो स्पेशल केसेस हैं उनकी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है, उन स्पेशल केसेस को फिर आगे यूज करके एक स्पेशल कंडीशंस निकालेंगे, तो मैं बात भी कर रहा था कंडीशन ऑफ लूपिंग की, ठीक है, वो करते हैं। तो अब इसमें अगर मैं दो स्पेशल केस बनाऊं, स्पेशल केस वन, एट लोएस्ट पॉइंट ए, वहां पे टी जो ए है वहां पे वी थीटा जो है वो वी एल है, यस सर, VL square by R minus MG, एक ना है थीटा zero तो cos zero zero one sorry cos zero one cos zero one तो ये आ जाएगा T at A point, that is this is the tension at the lowest point, and हमें पता है tension at the lowest point is the Maximum tension. Highest tension. तो mv square by r plus mg हमारे पास highest tension आ गई at the lowest point. ठीक है? अब अगर highest point पे tension निकाल लेंगे, सीधी maximum चले जाएगा। At highest point B, वहाँ पे T at B will be equal to MVH आ जाएगा उधर, don't use same V, and इधर theta कितना है? 180. Cos theta is cos 180 is -1. इधर आ जाएगा minus MG, and this is the lowest tension. Lowest. मिनिमम टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पे होती है मिनिमम टेंशन। यहां तक चिपका लिया? यस सर, यस सर। ये मिनिमम कितनी तक हो सकती है, कहां तक लेके जा सकते हैं मिनिमम टेंशन को ताकि बॉडी घूमती रहे? एमजी टेंशन मिनिमम एमजी होगी, नहीं इससे कम नहीं कर सकते सर, फिर तो नेगेटिव में चला जाएगा अगर एमजी से कम हो गया। सर एमजी से कम नहीं जा सकते, पर नेगेटिव तो
तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्या? अरे नेगेटिव कैसे हो जाएगा, कौन सा किधर का मैथ लगा रहे हो तुम लोग? सर अगर अगर हमने ऊपर एक बात बताओ mg cos थीटा, mg cos थीटा नहीं, ऐसे नहीं नंबर आएगा, वो नंबर है जीरो। मिनिमम टेंशन कैन बी जीरो। कैसे? जब हम किसी को गोल गोल चक्कर में घुमाते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो चक्कर में घूमता रहे, ठीक है, चक्कर नहीं छोड़ना उसको, लेकिन कितनी ऐसी मिनिमम टेंशन पॉसिबल है ताकि वो चक्कर में घूमता रहे। देखो इसको इमेजिन करेंगे, अभी हम एक बॉडी है, वो नहीं होता जैसे कोई तुम लोगों को कोई कभी 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 ना कभी वो मेडल वगैरह तो मिला होगा। यस सर, गले में पड़ो, ठीक है। तो मान लो ऐसा ना, वो स्ट्रिंग है ये मेडल, राइट, नहीं तो फिर रस्सी के साथ पत्थर बांधना और करके देख लेना इसको। क्या करना है हमने, जब मैंने इस रस्सी के साथ पत्थर बांधा और इसको घुमाना शुरू किया वर्टिकल मोशन में, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो क्या चक्कर उसने खत्म किया? नो सर, नहीं खत्म किया। तो ऊपर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए? नो सर, नो सर। फॉर द बॉडी टू कंप्लीट द सर्कल हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी शुड नॉट बी जीरो। उस चक्कर में ना, उस केस में वो चक्कर खत्म नहीं करेगा, लेकिन तनाव रस्सी में हम जीरो कर सकते हैं, जस्ट जीरो कर सकते हैं। बाउंड्री केस अगेन, जस्ट केस वाला है ये, जस्ट मतलब बाउंड्री केस वाला केस है ये अगेन। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन जस्ट जीरो हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि रस्सी में तनाव नहीं है, बट द बॉडी स्टिल मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों? उसकी वेलोसिटी, देखो टेंशन का फॉर्मूला मेरे पास आया था mv स्क्वायर बाय r माइनस mg, ये फॉर्मूला था। यस सर, जब टेंशन को जीरो पुट करेंगे तो v स्क्वायर मेरे पास rg के बराबर आ गया, v इज इक्वल टू रूट rg व्हिच इज नॉन जीरो। यस सर, डज दैट मीन कि टेंशन जीरो होने के बावजूद भी बॉडी के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है? यस और नो? यस सर, यस सर। क्योंकि उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो क्या वो चक्कर खत्म करने वाली डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जैसे ही उसने स्टार्टिंग पॉइंट ना सॉरी हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस किया, इधर से इधर आया, उसमें टेंशन दोबारा से फिर नॉन जीरो हो जाएगी, क्योंकि टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना। टेंशन जैसे जैसे नीचे आता है बटन बढ़ती है टेंशन आके ना। यस सर, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या थी? जीरो। जैसे ही अगले पॉइंट पे यहाँ जस्ट यहाँ पे आया, टेंशन इज जस्ट ग्रेटर देन, टेंशन फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया, अपने को टेंशन खत्म। सर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन खुद ही जीरो हुई है, हमने की है डेलिबरेटली, हमने वेलोसिटी ऐसी सेट की कि ऊपर टेंशन जीरो। अगर मैं वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे इस हिसाब से सेट करूं कि इतनी आए रूट ऑफ आर जी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगी। यस सर, अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन नॉन जीरो होगी। क्या कोई मुझे ये बता सकता है अगर वेलोसिटी से कम होगी तो क्या होगा? सब बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर फॉल करेगी। बॉडी विल नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर नहीं फॉल करेगी, इट विल लीव द सर्कुलर मोशन, वो डेविएट हो जाएगी। चक्कर में उसको ऐसे जाना था लेकिन ऐसे नहीं गई, इधर जाएगी, वो सर्कुलर पाथ छोड़ देगी। बात समझ में आई? तो ये तीन केस, एक वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन रूट आर जी है फिर तो बिंदास जल रही है, कोई दिक्कत परेशानी इसको नहीं है, ये तो नॉर्मल जैसे चक्कर में बॉडीज घूम रही है। दूसरा केस, अगर वेलोसिटी रूट ऑफ आर जी कर दी हमने, तो ये कौन सा केस है? मिनिमम टेंशन, मिनिमम टेंशन वाला केस है। तो उस केस में बॉडी ने वहां पे ऐसी वेलोसिटी अटेन की है कि टेंशन जो है वो जस्ट जीरो हो जाए, जैसे ही उस पॉइंट को क्रॉस करता है टेंशन अगेन नॉन जीरो एंड इट विल कंटिन्यू मूविंग इन द सर्कल।
लेकिन तीसरा केस अगर वेलोसिटी लेस देन रूट आर भी हो गई तो इट विल डेविएट फ्रॉम द सर्कल, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ लूपिंग क्या हुई, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप, एक बार रिपीट कर दो ये लाइन। मैंने पूछा व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट सो दैट इट कंप्लीट्स द लूप, रूट आर जी, रूट आर जी, रूट आर जी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, चलो यहां तक तो नोटेड है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कंडीशन ऑफ लूपिंग की, इसमें हेडिंग बनाओ, सब हेडिंग है सर लूपिंग, बस हम इसी को कहते हैं, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लूपिंग हम बोलते हैं कि वो जस्ट लूप कंप्लीट कर ले, लूप का मतलब सर्कल, यूनिफॉर्म में तो कोई चक्कर ही नहीं होता, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। उसमें भी यही होता है कि हाईएस्ट, उसमें तो हर जगह पे वेलोसिटी सेम है, दैट शुड बी ग्रेटर देन रूट आर डी, ठीक है। इसे तुम लोग को पूछना चाहिए था। तो भाई इसमें क्या करेंगे, for the body to just complete the vertical loop, the minimum tension, that is tension at the highest point, should be greater than or equal to zero. That is T minimum or T at highest point should be greater than or equal to zero. The, for the body to complete the vertical loop, just वाले केस में जीरो आएगा, for the body to complete the vertical loop, therefore to just complete the loop, t highest should be equal to zero, therefore t highest जो कि m v h square by r minus mg के बराबर है, इसको जीरो पुट कर दिया, इसको सॉल्व करके मेरे पास वी एच आ गया रूट ऑफ आर जी जी आर, अब अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जी आर है तो लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, निकालना जरा वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करके या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, जैसे ठीक लगता है सर। ऊपर स्क्रॉल कर दो, 5gr, ओके सर, 5gr रूट 5gr, रूट 5gr, रूट 5gr इज रूट 5gr, therefore VL जो कि होता है VH square plus 4GR है ना, ऊपर वाले फॉर्मूले से मैंने डायरेक्ट लगा दिया है 4GR वाला, ये वाला लगाया, अगर किसी को नहीं पता लग रहा किधर है ये,
तो ये आ जाएगा जी आर प्लस फोर जी आर प्लस फाइव जी आर। देयरफॉर मेरे पास जो कंडीशन आ गई वो आ गई वी एल इज रूट फाइव जी आर एंड वी एच इज रूट ऑफ जी आर। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल पे रूट फाइव जी आर होनी चाहिए एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल पे रूट जी आर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी वर्टिकल लूप्स जैसे सर्कस में वो देखा है, वो एक स्फीयर के अंदर यू माइट हैव सीन बाइक चलाते होते हैं, बाइक चलाते हैं एक स्फीयर के अंदर, बंद स्फीयर के अंदर। यस सर, yes, ना वो बाइक की वेलोसिटी, वो वर्टिकल चक्कर भी काटता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी काटता है, हॉरिजॉन्टल लूपिंग की कंडीशन लगेगी उधर, अगर वर्टिकल चक्कर काटता है तो वर्टिकल लूपिंग की कंडीशन लगेगी। तो उस बाइक की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे रूट जी आर से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वो गिर जाएगा, समझे? ये अच्छा वो भी देखा होगा ना, जैसे उस पे 15 अगस्त कि परेड वगैरह में वो फाइटर प्लेन्स या कुछ प्लेन्स वो करतब दिखाते हैं जो। यस सर, यस सर, यस सर, है ना, लूपिंग लूपिंग भी करते हैं ना, वर्टिकल लूपिंग। तो वर्टिकल लूपिंग अगर प्लेन कोई वर्टिकल लूप बना रहा है तो उस केस में भी उस लूप की भी हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है दैट शुड बी ग्रेटर देन रूट जी आर। ठीक है सर, कौन सा प्लेन वाला क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा बताना। जो प्लेन ना एरोप्लेन, एरोप्लेन की बात, एरोप्लेन अगर ऐसे वर्टिकल लूप काट रहा है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इस हिसाब से होनी चाहिए कि इट शुड बी ग्रेटर देन रूट जी आर। सर अगर रूट जी आर की इक्वल होगा तो भी तो लूप कर ही ले यार, फिर वही बात ना, तो आगे से यार मेरे को यार ये बाउंड्री केसेस वाले मत पूछा करो, तुम लोग पता नहीं टिकते ही नहीं। बाउंड्री केस होगा तो क्या होगा, अबे यार 8 महीने निकल गए बाउंड्री केसेस को पढ़ते पढ़ते। और ये बाल्टी वाला केस, अगर बाल्टी में पानी भर के है ना, या कोई मग में या किसी उसमें बर्तन में पानी भर के उसको हम रस्सी से ऐसे घुमाएंगे, और देखो अगर उसको स्लो गिराए घुमाएंगे फिर तो गिर जाएगा ना बाल्टी भी और पानी भी अपने ऊपर, आगे ना। yes. लेकिन अगर उसकी स्पीड हम ऐसे मेंटेन रखें कि हाईएस्ट पॉइंट पे इट क्रॉसेस विद स्पीड ऑफ ग्रेटर देन रूट जी आर, फिर वो पानी नहीं गिरेगा अपने। ठीक, यही ट्राई किया था बच्चों ने, अगर तेज तेज हम घुमाएंगे तो ये पानी नहीं गिरता, एक्चुअली में नहीं गिरता। यू कैन ट्राई। ठीक है, मेरे को लास्ट ईयर बच्चों ने वीडियोस बना बना के भेजी, एक ने मतलब दही डाल के कमरे के अंदर घर के अंदर डोलो में दही डाली और घुमा दिया उसको वर्टिकली। मैंने कहा यार इतना कॉन्फिडेंस, बाय चांस स्पीड कम हो जाती तो सारे सोफे दीवारें तुम खुद क्या होता, मार पड़ती है लग। ठीक है, तुम में से अगर कोई ऐसी डेयरिंग करना चाहता है तो कर सकते, ढिल्लो करेगा सर? पता नहीं, अभी सोच, पहले सोच रहा था, अभी इसके बाद शायद ही। किसके बाद शायद ही? ये सर दही वाला केस। अरे पानी डाल के कर लेना चाहिए। ठीक है, यार कहाँ रख दी मैंने वीडियो।
आगे चलते हैं। ये तो हो गया केस, उसका एग्जांपल्स लिख लो इसकी, वही वाली जो भी बताई मैंने। क्या अनुष्ठा मेरे को मिल नहीं रही ना, ये तो मैं दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। I think I have अरे दही वाली वीडियो में दही कौन सा गिरी है ऐसी, मैं ढूंढता हूँ यार तुम लोगों को सवाल देख के, फिर इतने एग्जांपल लिखते हैं। एक तो वही बाइकर वाली लिख लो, बाइकर मस्ट हैव मिनिमम स्पीड ऑफ रूट जी आर एट दी हाईएस्ट पॉइंट मेकिंग अ वर्टिकल लूप इन अ वो सर्कस ग्लोब जो होता है, प्लेन सिमिलरली प्लेन मस्ट हैव मिनिमम स्पीड ऑफ रूट जी आर एट हाईएस्ट पॉइंट व्हाइल मेकिंग वर्टिकल लूप। Water put in a bucket containing water is placed in a vertical loop such that V at highest point is greater than root 5 here, then water does not fall down. ठीक है, इसमें दूसरा जो केस है ये कंडीशन ऑफ लूपिंग था, तो दूसरा है दैट इज कंडीशन फॉर ऑसिलेटिंग का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो टाइप्स, टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग के साथ पत्थर बंधा है तो वो ऑसिलेट अबाउट दी लोएस्ट पोजीशन करेगा, यस और नो? यस सर। यस सर। कंडीशन फॉर ऑसिलेटिंग अबाउट दी लोएस्ट पोजीशन
तो एक बॉडी ऑसिलेट कब करेगी? अगर ये बॉडी, ये जो बॉब है, ये घूमता 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 इस पॉइंट से ऊपर निकल गया, तो क्या, अगर इस पॉइंट से ऊपर निकल गया तो वापस ऐसे गिरेगा, हाँ कि ना? यस सर, ना? लेकिन अगर यहां तक पहुंचा मैक्सिमम तो वापस ऐसे ही जाएगा, यस और नो? सर एक बार फिर से बता दो, वो वापस कैसे गिरेगा? अगर हम इस पेंडुलम, ये पेंडुलम है, पेंडुलम को मैं यहां तक लेके आया तो वापस चला गया, यहां तक लेके आया तो वापस चला गया, यहां तक लेके आया, यहां तक लेके आने का मतलब यहां पे आके उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है और वहां यहां से वापस जा रहा है, यस और नो? यस सर, यहां तक लेके आया तो भी वापस चला गया। अगर उसकी वेलोसिटी यहां पे आके जीरो हो रही है तो क्या करेगा वो? वो ऐसे ही गिर जाएगा, हां कि ना? यस सर। तो क्या ये ऑसिलेट कर पाया? नो सर, नहीं, इसने तो वो पाथ ही छोड़ दिया ना, ऑसिलेशन वाला ही पाथ छोड़ दिया, इसलिए वो तक अपना पेंडुलम ऑसिलेट कब कर पाएगा? अगर वो मैक्सिमम यहां तक पहुंचेगा, यस सर, वहां तक ऑसिलेट कर पाएगा। अगर इससे ऊपर गया तो वो ऑसिलेट नहीं करेगा, वो इट विल लीव दैट ऑसिलेशन लूप, ठीक है? तो हम यहां तक लेके आ सकते हैं उसको, पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट तक। एक्सक्यूज मी सर, यस सर, जब हम जैसे वो स्विंग लेते हैं तो सर, अगर हम वो डंडे से जो जहां से कनेक्टेड होता है उससे ऊपर चले जाएं तो मतलब हम वापस उसी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे? गिरोगे, यस सर, गिरते हैं, पता मुझे, गिरोगे। अगर हम वो स्विंग होती है ना जो यहाँ पे, ये अगर हॉरिजॉन्टल से ऊपर चली जाए, वैसे तो इतनी ऊपर कोई जाता नहीं सर, मतलब थोड़ी सी अगर चले भी चले जाए तो मतलब स्विंग जाना चाहिए, हम नहीं, मतलब स्विंग जो सीट है वो जानी चाहिए, सीट पे तुम हो? यस सर, होता है सर, हल्का सा कांटेक्ट लूज सा टाइप सा। यस, तो अगर इतना ऊपर जाओगे तो यू विल नॉट फॉलो द एग्जैक्ट सेम पाथ ना, हल्का सा डेविएशन हो जाएगी, लेकिन वो 360 डिग्री भी घूम जाते हैं बहुत, लाइक 360 भी घूम जाते हैं, फिर भार पे डिपेंड करता है और कितनी जोर से पकड़ा हुआ उसको, उस पे डिपेंड करता है कि तुम वापस अपनी पाथ पे उसको ज्वाइन करो या ना करो, या मुद्दे मुंह नीचे। यस सर, सर डेविएशन जरूरी है कि अगर हम हाईएस्ट चले जाएं तो? क्या सर, अगर हम स्विंग से कॉन्टैक्ट यूज कर ने किया मैत्री? नो सर, करके देखना, नहीं सर होना नहीं, अपने रिस्क पे सर, होगा नहीं। अरे कर लोगी हल्की सी, तुम तो सर हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी है VL, लोएस्ट पॉइंट पे, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो, जीरो, इट विल बी जीरो यार, तभी वापस आएगा ना, ये तो ऊपर जाएगा। यस सर, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, देयरफॉर वहां पे आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, ये है कुछ इसका जो रेडियस है, ये पूरा पूरा ऊपर उठ गया ना, एम जी आ रहा जाएगा इधर। व्हाट इज चेंज इन हाइट सर? चेंज इन हाइट डेल्टा एच, हां डेल्टा एच इज आर, देयरफॉर मेरे पास वी एल की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ टू जी आर आ गई। तो अगर हमें ऑसिलेशन करानी है तो वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉसिबल है? टू जी आर, रूट ऑफ टू जी आर, रूट ऑफ टू जी आर, राइट, हाई लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है? दिस is the maximum velocity at the
लोएस्ट पॉइंट ए सच दैट बॉडी ऑसिलेट्स. About the lowest position, ये maximum velocity है कि body oscillate करे, ठीक है? तो 0, 1, 2, 3 till root 2 gr body क्या करेगी? Oscillate करेगी, okay? 0 से लेके root 2 gr तक body oscillate करेगी. अगर root 5 gr या उससे ज़्यादा होगी तो body क्या करेगी? Loop. पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी, पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी अगर रूट ऑफ 5 जीआर से क्या होगी? ज्यादा होगी. लेकिन अगर रूट 2 जीआर और 5 जीआर के बीच में होगी तो इट विल डिफर. तो भी कर जाएगी. तो वो अलग केस है. हां जी, डेविएट हो जाएगा. हां, तो इट विल लीव द ऑसिलेशन. ना वो ऑसिलेशन करेगी, ना वो सर्कल कंप्लीट करेगी, ठीक है? तो धोबी का घर कुत्ता नगर का नगाट का ना वो ऑसिलेशन ना वो ऐसा कर देगी. बस इधर से आएगा, ऐसे गया, यहाँ से इधर कहीं कुछ भी, मतलब कोई भी, इट विल डेविएट फ्रॉम द पाथ, ठीक है? यहाँ पे जाके इट विल फॉलो ऐसा कुछ पाथ, यहाँ पे आके डेविएट फ्रॉम द सर्कुलर एज वेल एज द ऑसिलेटरी पाथ. एक पॉइंट लिख लेते हैं हम. इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ जी आर, बॉडी क्या करेगी? ऑसिलेट. बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट लोएस्ट पॉइंट. दूसरा, इफ V is greater than equal to root of 5 gr. हम VL की बात कर रहे हैं. Then body completes the vertical circle. तीसरा, if VL is less than root of 5 gr and greater than root of 2 gr, body neither oscillates nor completes the circle. It leaves the circular path. जो सर्कुलर पाथ पे जा रही थी उसको छोड़ दी. कोई शक? नो सर. चिपका लिए यहाँ पे? यस सर. यस सर. कुछ सवाल करते हैं, कुछ प्रैक्टिस. किस बात की टेंशन है अमृत? सर वैसे ही पूछा. नहीं, वैसे ही तो जिंदगी में कुछ नहीं होता. हैं?
फिर वैसे ही पूछ लिया। अगले लेक्चर यार कुछ से तो ध्यान से पढ़ लो। हर नूर सक्षम विद्योत्मा क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है सक्षम, कैसे करोगे यार तुम लोग नीट में है? काली अग्नि टोए ओए सेठी ध्रुवा गलत है, तिलों गलत है, तो ध्यान से पढ़ो ध्यान से, जाशीन गलत है। आशी गलत है। जीना ठीक है, इतना टुच्चू सवाल। सर बस दो मिनट रुको। मरित गलत है, नमन गलत है, परनू ठीक है, उद्योत्मा ठीक है, दोनों ठीक है, परनू ठीक है, अंचल ठीक है, रेलू ठीक है, ईशान सी भी अन्ना। मैत्री ठीक है, तन्नो तन्न ओए ये अपना स्पीड कहाँ दे रखी है? हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे दे रखी है ना, तो लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे दे रखी है, और जो फॉर्मूला था वो नाम था वी थीटा वी एल फोर आर जी, वो कौन सा था? उसमें स्पीड कहाँ थी? वी एल थी। ये कौन सी हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड है? अपने को फाइंड करनी है स्पीड हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, तो या तो एनर्जी कंजर्वेशन से लगा लो या वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से। लेकिन वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में अपने पास वी एल होता है उधर, ठीक है, क्या होता है? वी एल, वी एल होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे कितना फर्क है देखो, इधर गया ये रहा, 4gr का फर्क था पूरा नीचे आने तक। यस सर, हाईएस्ट और लोएस्ट में 4gr का फर्क है, और इधर देखो हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट और हॉरिजॉन्टल तक 2gr का फर्क है, हाँ के ना? यस सर, यस सर। तो मतलब हर आधे चक्कर में 2gr बढ़ रही है, या 2gr कम लगा लो, अगर ऊपर जा रही तो कम हो रही है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे 3gr दे रखी है, तो हॉरिजॉन्टल पे 2rg बढ़ जाएगी, 2gr तो 5gr हो गई। बॉटम पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? 7gr, root 7gr, 7gr बस। तो सर मैंने पहले यही तो आंसर भेजा, आपने गलत कह दिया। कौन सा भेजा? root 7rg भेजा तो था आंसर, तो गलत है ना, हॉरिजॉन्टल पूछा उसने। ओके सर, यहाँ पे रूट ऑफ 3gr है, यहाँ पे होगी रूट ऑफ 5gr,
यहाँ पे होगी रूट ऑफ 7gr, ठीक है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। या तो तुम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ ए और बी के बीच में, तो वहां से क्या आएगा, डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा पी ई, मेथड वन। तो हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू आर, तो एम एम उड़ेगा, तो यहां से मेरे पास आएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी आर। तो वी बी स्क्वायर आएगा 3gr प्लस 2gr इज इक्वल टू 5gr, तो वी बी आ गया रूट ऑफ 5gr। ये उस फॉर्मूला से कर लो, कैसे मर्जी कर लो, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है सबका। करेक्ट है, क्या लगेगा इधर, वी मिनिमम कितना चाहिए इस पॉइंट पे, 2gr रूट ऑफ जी आर, रूट ऑफ 10 × 10 × 10 m². कोई शंका, चलो बाकी के क्वेश्चन हम कल ट्राई करते हैं, विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस tomorrow. That's it for today. Goodbye. Exercise 2 में से तुम लोग exercise 2 में से तुम लोग question करना start कर दो, except for vertical motion. बाकी कर लो. Excuse me sir. Discuss करनी है. Exercise 2. हैं? Exercise 2 कब तक discuss करनी है? Discuss बता दूँगा अगली class में करूँगा. Okay sir. कुछ आज का होमवर्क सिर्फ इतना है कि एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चंस एक्सेप्ट फॉर द वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन मत करना अभी एक्सरसाइज 2। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज सर, जो बस मुझे ये बता दो वो जो बाउंड्री केस था वो प्रैक्टिकली बाउंड्री केस तो हो नहीं सकता ना। अबे प्रैक्टिकली उतनी स्पीड मेंटेन करेगा हमेशा अपनी बाजू से, वही सर वो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली बाउंड्री केस, तो कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता, बाउंड्री केस पे हमेशा मेंटेन रखना जरूरी है। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, यस सर, वो क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लेना, कौन सा क्वेश्चन सर, वो मास डिस्प्लेसमेंट वाला की सर, 82 था शायद, तुमने कुछ व्हाट्सएप पे भेजा है सर, क्वेश्चन नंबर 85 है एक्सरसाइज 2 का, क्या फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन सर वर्क पर एनर्जी का था, अरे लीजा अभी नहीं, नहीं सर वो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था ना, आपने बोला था कंफर्म कर दोगे, मेरे को व्हाट्सएप कर दो सर, मैंने किया था कल,
लीजा बोल रही है, अनुष्का बोल रही है? सर पहले वो बोल रही थी, मैं बोल रही हूँ। यार तुम लोग की आवाज कितनी मिलती है ना? हाँ अनुष्का वो मैं चेक कर लूंगा अभी। ठीक है सर, थैंक यू। थोड़ा टाइम तो दिया करो यार, तुम लोग तो ना पीछे पड़ जाते हो।